हेलो गाइस, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं एसएनएस एचडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप के एक नए फीचर के बारे में। व्हाट्सएप का रेड टिक आ चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि उस रेड टिक अगर आपके व्हाट्सएप में आ गया तो आपका व्हाट्सएप बर्बाद हो सकता है और आप भी बर्बाद हो सकते हो। ऐसा सच है क्या? तो आज की वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा सुनने को आया है कि एक नया टिक हो जाएगा हमारे मैसेज में अगर हम ज़्यादा मीम्स वगैरह शेयर करें या ज़्यादा कुछ ऐसे चीज़ शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिसमें कंट्रोवर्सी बन सकता है, उसमें हमको एक रेड टिक मिल जाएगा। आपके कुछ मैसेज में एक रेड टिक आ गया तो गवर्नमेंट ने वो मैसेज पढ़ लिया है। अगर दो रेड टिक आ गया तो गवर्नमेंट अब आपका पूरा व्हाट्सएप जो है उसको पढ़ रहा है, उसको देख रहा है, उसको स्क्रीनिंग कर रहा है। और अगर गलती से भी तीन रेड टिक आ गया तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाल सकता है, आप जेल में भी जा सकते हो। और गाइस, ऐसा है नहीं, बिल्कुल रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट्सएप में कोई रेड टिक आएगा ही नहीं। हम खामखा पैनिक कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हमको काम रहना है बहुत ज़्यादा और सिचुएशन को कंट्रोल करना है, दिमाग को शांत रखना है। और ऐसे में अगर आप पैनिक कर लोगे ये फालतू व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज को लेके, फॉरवर्डेड मैसेज, तो आप तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ जाओगे आप। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास मैसेज पढ़ने का टाइम नहीं होता है, उनके पास कोई फॉरवर्डेड मैसेज आया वो दूसरे को फॉरवर्ड कर दिए। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है गाइस। मैं एक ट्विटर हैंडल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस ट्विटर हैंडल का नाम है PIB फैक्ट चेक। उस ट्विटर हैंडल से आप लोग जाके चेक कीजिए। वो एक ऐसा चैनल है जो सारे जो फॉरवर्डेड फेक मैसेजेस होते हैं वो वहाँ पे डाल देते हैं वो लोग और बोल देते हैं कि ये सारे मैसेजेस फेक हैं और ये सही इन्फॉर्मेशन है, ये फेक नहीं है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं लोगों तक, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और पहले आपके पास अगर कोई मैसेज आए तो पहले उनको जांचिए, अच्छी तरीके से सर्च कीजिए, अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि वो फेक है तो नहीं। अगर फेक है तो आप आगे मत फैलाइए। और जिन्होंने भी आपको मैसेज किया है उनको मैसेज करके बोलिए कि प्लीज़ वो किसी और को मैसेज ना फैलाए। ऐसे देखिए, व्हाट्सएप अभी इन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो फॉरवर्ड करने का जो लिमिट है उसको 5 से 1 में कर दिया है। अब एक ही मैसेज आप अगर फॉरवर्ड करने जाओ तो एक ही इंसान को फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप घर बैठे बैठे वेलाई तो आप फिर भी फॉरवर्ड कर रहे हो 10 जन को 20 जन को। और आपसे अगर फैलने लगा तो 10 जन में फैलेगा, फिर 10 जन से और 10 जन में फैलने लगा, ऐसे पूरे इंडिया में फैल रहा है। और ये अफवाह है, और ये पहला अफवाह नहीं है, ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों मैसेजेस हैं व्हाट्सएप में फॉरवर्डेड। इसको शेयर कीजिए तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, इसको शेयर कीजिए तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी है कि व्हाट्सएप के 5 ग्रुप में शेयर कीजिए और 10 आदमी को शेयर कीजिए तो आपको आईफोन 1 रुपये में मिल जाएगा। गाइस, ऐसे लिंक में अगर आप क्लिक करोगे ना, आपका फ़ोन का जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है, पूरा एप्लीकेशन का जो हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे उन लोगों के पास चला जाता है। और एक ट्रिक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको आईफोन लेके 1 लाख रुपये में आपकी किडनी बेच के ही खरीदना पड़ेगा। और इससे सतर्क रहिए गाइस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो गाइस, मेरा यही वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि प्लीज़ गाइस, कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज आए तो उसे बिना जांच किए आप दूसरे को फॉरवर्ड मत कीजिए। और जो सही चीज़ है उससे फॉरवर्ड कीजिए। और जो मैंने ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाला है उसमें जाके ज़रूर से देखिए, उसमें सारे फेक न्यूज़ का आपको पहले से ही पता चल जाता है कि ये फेक है, ये फेक नहीं है, तो सब पता चल जाएगा। वो बहुत अच्छा ट्विटर हैंडल है, तो उसे जाके चेक कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। और मैं आपको अगली वाली वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।